जगमबाग ने इनकम सपोर्ट कार्ड न मिलने के खिलाफ खवातीन ने इंतजार कर रहे हैं। सिंध बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाले कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। जगमबाग सिंध बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाले पाकिस्तान से मुकाबला किया जाए और हमें हमारा हक दिलाया जाए। जमात इस्लामी सिंध के अमीर इस्लाम ने हुकूमत अलैहिस्सलाम की बाद में इस्लामी इतिहा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जारी मौजूदा निजाम की वजह से आवाम शदीद मुश्किल का शिकार है। कयाम पाकिस्तान से लेकर अब तक 65 सालों में मुस्तैद होने वाले तमाम तर हुक्मरानों ने कुफर के निजाम को तरक्की दी है, जिसकी वजह से आज आम आदमी मुआशी मुश्किल का शिकार है। ना इंसाफियों और जुल्म जा रहा है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की दुनिया और आखिरत के लिए भलाई का निजाम देकर भेजा, लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में मुसलमान तो है मगर इस्लाम अलैहि वाले इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई थी और रमजान की 10 तारीख को ही बाबुल इस्लाम सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की गई थी। जमात इस्लामी पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है और आवाम जमात इस्लाम रहेंगे। जगमबाग में जाली खाद का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। इलाकों में डीलर की जाने आबदारों ने जाली खाद फरोख करने वालों की गिरफ्तारी का मुकाबला किया। सिटी पुलिस ने DSP श्री हबीबुर्रहमान अबू की क्यादत में खाद में आवाज बंद की शिकायत पर छापा मार कर जाली खाद फरोख करने वाले डीलर राजेश कुमार, पुनीत कुमार और विशाल को गिरफ्तार करके उनके कब्ज से जाली खाद की गोलियां बरामद कर ली है। जगमबाग में जाली खाद का कारोबार गुज़िश्ता काफी अच्छे से सरेआम चल रहा है, जिसकी वजह से जमीनें बंजर बन गई हैं और आबादारों को शोबे में नहा इस सिलसिले जाली खाद और जाली जरी अज्जा की वजह से जमीनें तबाह हो गई हैं और अक्षय नाम में शामिल करी है।